few go out here. हेलो दोस्तों, सफ़र हमारा कलाम में इस वक्त मॉडर्न की तरफ है। फिल वक्त तो बाइक में जा रहे हैं, आगे रास्ते का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कैसा होगा। अगर ख़राब हुआ तो वापस आ जाएंगे और फिर जीप में जाएंगे, या ऊशू पर सुना है कि वहाँ से भी जीप मिल जाएगी, तो बाइक पार्क कर देंगे ऊशू पर और फिर वहाँ से अगर जीप का बंदोबस्त हो गया तो जीप पर जाएंगे। फिल वक्त तो निकल पड़े हैं, देखते हैं आगे कैसा रास्ता रहता है। ये पेट्रोल पंप कलाम के बाज़ार से तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे, 20 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। कलाम के बाज़ार से माउंटेन के रास्ते में है। ये बताने का मकसद ये है कि ये फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। हम ऊशू पहुंच चुके हैं और आगे का सोच रहे हैं कि जीप में सफ़र कर लिया जाए। ये ऊपर एक जीप जो है ब्लैक कलर की हमने बुक कर ली। ये हमें 2800 में यहाँ से माउंटेन जीन सैफुल्ला और फिर ट्रिप कंप्लीट करने के बाद यहीं पे ड्रॉप कर देगी। बाइक ऊपर ही पार्क कर दी है हमने। माउंटेन आते हुए अपनी मेडिसिंस साथ रखें, एक्स्ट्रा कपड़े, अगर रात रुकने का प्लान है तो गर्म कपड़े भी साथ रखें। किसी को फिशिंग का शौक हो तो वो अपने साथ फिशिंग का सामान भी रख सकता है। दोस्तों, ये राइट हैंड पे नीचे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा। सब्सक्राइब करके जाएंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की थोड़ी सी लगन पैदा हो जाती है। ये जगह है, ये कहलाती है चश्मा शफा और ये ऊशू से आगे और माउंटेन से थोड़ा सा पहले चश्मे का पानी है और अल्लाह ताला ने इसको कुदरती तौर पर कुछ शफा रखी हुई है। इसके अंदर लोग आते हैं, यहाँ पर चश्मा शफा पे रुकते हैं और पानी पीते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो और ट्रिप प्लान करेगा अपना, तो माउंटेन लेक के लिए कलाम से सुबह सवेरे 8-9 बजे निकल जाए ताकि अच्छा टाइम कंज्यूम कर सके, बहुत ज़्यादा देर वहाँ पर रह सके, बोटिंग कर सके। ये झील सैफुल्ला है। माउंटेन के रास्ते से तकरीबन ये माउंटेन से आगे आती है और ये तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव है जीप में। मुझे माउंटेन इससे अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर ना बोटिंग का कोई इतना इंतज़ाम है, ना रहने की कोई जगह है, इस्टेब्लिश जगह नहीं कहेंगे इसे। और अब हम जा रहे हैं माउंटेन की तरफ। झील सैफुल्ला सिर्फ देखने के लिए आए थे कि कैसी लगती है। इससे पहले काफ़ी बार आए हैं लेकिन झील सैफुल्ला नहीं आए।
कैंपर्स हैं ये वहाँ पर सामने आइलैंड पे जाके कैंपिंग करेंगे, 3 से 4 दिन यहीं पे रुकेंगे। सारा सामान अपने साथ लेकर आए हुए हैं, बच्चे भी इनके साथ हैं। बयान नहीं कर सकता कि ये पहाड़ों की गोदी कह लें, पहाड़ों के आगोश कह लें, इसमें आकर जो खुशी महसूस कर रहा हूँ इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं।